आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। श्री किरेन रिजू जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, बिफोर द बिजनेस कुड बिगिन, आई वुड लाइक टू थैंक श्री भर्तृहरि मेहताब हु हैज डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज स्पीकर प्रो टेम। ही हैज कंप्लीटेड एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ ओथ एंड इंफॉर्मेशन वेरी स्मूथली विदिन टू डेज and till the election of the Honorable Speaker this morning. I profusely thank him on behalf of the government and Honorable Prime Minister also. I also thank the panel of chairpersons for their valuable contribution. I also thank the Secretary General of Lok Sabha and staff of Lok Sabha Secretariat who have completed the work within the time frame under the guidance of the Speaker Pro Tem and the panel of chairpersons. On behalf of the entire house, I thank all of them. Once again, I thank all the honorable members for your cooperation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है, और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा आपकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे तो ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना